तो हेलो गाइस, कैसे हो सब? कैसे हो? स्वागत है आपका मेरे चैनल योर टेक सपोर्ट एंड गेमिंग में। तो गाइस, मैंने कल लाइव स्ट्रीम की थी जो विंडोज़ 11 का जो लॉन्च इवेंट था माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे एंड सभी प्लेटफॉर्म्स पे। अराउंड 2 hours and 30 minutes की लाइव स्ट्रीम थी। मैंने कहा था कि मैं जो 2 hours and 30 minutes में हमने जो भी अपडेट्स विंडोज़ 11 के रिगार्डिंग हमें पता चले लाइव स्ट्रीम जो देख के, उसे मैं 10 minutes or 12 minutes की एक वीडियो में इंक्लूड करूँगा। तो एक पूरी डिटेल्ड वीडियो है। अगर आपका लाइव स्ट्रीम नहीं देख पाए तो ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो हिंदी में प्रॉपरली आपको विंडोज़ 11 में जो जो नए नए फीचर्स आने वाले वो आपको पता चल जाएगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। मैं लाइक का टारगेट रख रहा हूँ ओनली 3000 लाइक्स। आई एम श्योर आप सभी लोग कर दोगे और चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो कल लाइव स्ट्रीम थी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जो मैंने देखी थी, उन्हें काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। गेमिंग में, प्रोडक्टिविटी में, लुक वाइज एंड काफ़ी पार्ट्स थे एंड कुछ चीज़ें हमें बताई भी उस विंडोज़ 11 के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा, मैं भी इस वीडियो को पार्ट्स में मैं डिवाइड कर लेता हूँ। टाइम स्टैम्प मैं दूंगा, आप टाइम स्टैम्प को ऊपर नीचे करके देख सकते हो। तो सबसे पहला जो मेन फैक्टर है वो हर बंदे, हर विंडोज़ यूज़र के मन में होगा कि विंडोज़ 10 ऐसा इंटरफेस हमें देखने को मिलता है तो विंडोज़ 11 का हमें कितना क्रिएटिव इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइस, विंडोज़ 11 का अगर लुक वाइज हम बात करें, बाकी ऑफिशियल आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी जो मुझे ऊपर ऊपर से पता चला, मैंने लाइव स्ट्रीम देखी, मैंने अपने लैपटॉप में इंस्टॉल भी कर लिया विंडोज़ 11, वो जो कहीं ना कहीं से कुछ आ गया था ISO फाइल टाइप, है ना। तो सबसे पहला जो ऑफिशियल अपडेट विंडोज़ की तरफ से आ रहा है वो है भाई, इसमें कुछ आइकन्स, लुक वाइज अगर हम बात करें तो आइकन्स वगैरह जो हमारे दिस PC रिसाइकिल बिन एंड सभी आइकन्स, थोड़े बहुत उसका लोगो चेंज होगा, थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंज हो जाएगा विंडोज़ 11 में, जो कि बड़ी बात है। मैंने कुछ देखा ना, एक मीम भी मेरे डिस्कॉर्ड में एक बंदे ने शेयर की, विंडोज़ 10 में सभी ऐसे साइड एंगल करके कुछ आइकन्स थे, विंडोज़ 11 में सीधा बस ऐसे करके है, मतलब सीधा बिल्कुल खड़े हुए हैं। उस तरह से आप देख सकते हो अपडेट कुछ इस तरह से लुक वाइज अगर हम बात करें आइकन्स की। एंड टास्क बार ऑब्वियसली काफ़ी चेंज हो गया, थोड़ा कहना तो नहीं चाहिए, कंपेयर नहीं कर रहा, बट थोड़ा मैक की तरह इन्होंने टास्क बार कर दिया। पहले हमारा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे था, बट अभी डिफ़ॉल्ट सेंटर में होगा, जो कि चीज़ अच्छी भी लग रही है मेरे को। अगर हम एज ए यूज़र बात करूँ, एज ए यूट्यूबर नहीं, एज ए यूज़र बात करूँ तो मेरे को ये चीज़ टास्क बार वाली चीज़ अच्छी लग रही है एंड थोड़ा मैक जैसा बन जाएगा। मैंने इधर इसलिए थोड़ा देख रहा हूँ क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट रेडी की हुई है सारी। एंड अगली बात, जो लुक की वाइज अगर हम बात करें तो इसके जो हमारा विंडोज़, कोई मान लो हमने टैब खोला हुआ है तो हमारे विंडोज़ 10 में या उसके प्रीवियस जो वर्जन है उसमें कॉर्नर स्क्वेयर या रेक्टेंगल टाइप हमें नुकीली शो करती है, बट अगर हम हिंदी में बात करें, बट विंडोज़ 11 में हमें थोड़ा कर्व्ड देखने को मिलेगा चीज़ें, थोड़ा मतलब नुक्कर वाले, नुक्कर कहीं या कह सकते हैं, पर कॉर्नर नहीं देखने को मिलेगा हमें, सीधा थोड़ा कर्व शेप देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी चीज़ अच्छी है। मैं ऊपर स्लाइड शो कर दूंगा ताकि आपको समझने में थोड़ी अच्छी चीज़ें हो जाए। और सबसे जो मेरे को ना इंपॉर्टेंट चीज़ लगी, हम अगर प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, ये सेकंड पार्ट है प्रोडक्टिविटी, अगर हम बात करें तो मुझे इसके में मल्टी टास्क बटन उन्होंने ऐड कर दी। जैसे हम विंडोज़ 10 में मान लो मैंने 2 tabs खोलने हैं सामने, हम या तो हमें पूरा स्क्रोल मतलब करना पड़ता था यार, स्क्रोल कहते हैं कैसे, मतलब जैसे कि आप देख सकते हो हमें ऐसे करना पड़ता तो जाके हम ऐसे मल्टीटास्क कर सकते हैं, बट इन्होंने अभी बटन्स ऐड कर दिए जो कि काफ़ी सही चीज़ है। बटन दबाओ सीधा 2 tabs में कन्वर्ट हो जाएगा आपकी दोनों विंडोज़। बाकी अगर हम लुक वगैरह की बात करें तो एक प्रोडक्टिविटी ये भी है कि इन्होंने एनिमेशन ऐड कर दी। जैसे अभी जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अभी मैंने कोई वो खोला, अपन क्या कहते हैं, कोई विंडो खोल ली मैंने, जैसे क्रोम खोला एकदम से भाई मतलब ऊपर आ गया, बट इन्होंने अभी थोड़े बहुत एनिमेशन ऐड कर दिए विंडोज़, अगर कोई टैब वगैरह अगर हम खोलेंगे तो उस तरह से। बाकी अभी टच सपोर्ट भी है विंडोज़ 11 में विद सो मैनी फीचर्स। अभी एक्चुअल तो नहीं पता चला कैसे कितने फीचर्स हैं, बट हमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल गए टच सपोर्ट में। जेस्चर्स वगैरह हम कर सकते हैं, जैसे अपन एंड्रॉयड फ़ोन में, जैसे मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, SMS ऐसे दबाऊं तो फ्लैश खुल जाते हैं, उस तरह से काफ़ी जेस्चर्स ऐड कर दिए जो कि विंडोज़ 8 से थोड़ा हटके हो सकता है। बाकी टच वाला सिस्टम मैं तो पर्सनली यूज़ नहीं करने वाला, बाकी जो यूज़ करते हैं वो सही है भाई। एंड हाँ, सबसे बड़ी चीज़ अगर हम अभी है हमारी गेमिंग की बात, काफ़ी लोग मेरे गेमर्स देखते हैं जो PC गेमर्स हैं, अगर मैं बात करूँ तो गेमिंग में काफ़ी अच्छे अपडेट्स दिए इन्होंने। HDR 10+ सपोर्ट दे दी गेमिंग में, काफ़ी आप
एनहांस्ड ग्राफिक्स के साथ हायर रेजोल्यूशन पे गेम्स को इंजॉय कर पाओगी HDR के साथ। पहले SDR था, स्टैंडर्ड डेफिनेशन रेंज करके कुछ होता है, स्टैंडर्ड हाँ डेफिनेशन रेंज शायद HDR अभी सपोर्ट हो जाएगा, जो कि ग्राफिक्स वाइज आप देख सको कितनी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी आपको। एंड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में भी थोड़ा डिज़ाइन वगैरह में चेंजेस हो जाएंगी। एंड सबसे बड़ी चीज़, जैसे कि हम एमुलेटर पे खेलते थे ना गाइस, जैसे गेम्स वगैरह को या कुछ मतलब एंड्रॉयड ऐप्स चलाने के लिए एमुलेटर डाउनलोड करते थे, उसी तरह से अभी हम ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एंड्रॉयड ऐप्स को डाउनलोड कर पाएंगे अपने PC में। एंड्रॉयड ऐप्स उन्होंने स्पेशली नाम लिया, iOS का नाम नहीं लिया, एंड्रॉयड ऐप को हम अपने PC में डाउनलोड कर पाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक। रहने दो भाई, मैं नहीं करा। ये तो सारी बातें हो गई, मैंने जो भी आपको बताया लुक वाइज, गेमिंग वाइज, प्रोडक्टिविटी वाइज, जो भी अपडेट्स आए विंडोज़ 11 में। अब हम बात कर लेते हैं गाइज जो भी विंडोज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनके क्या अपडेट्स हैं। तो अभी विंडोज़ 11 के ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के पेज पे आ गया हूँ। एंड इन्होंने अगर वैसे जो मैंने चीज़ें बताई जैसे कर्व्ड एजेस एंड सारा कुछ मैंने बताया, तो वो तो इन्होंने कर ही दिया, जैसे मल्टीटास्किंग वाला एंड सारा कुछ, थोड़ा मोटा प्रमोशन भी इन्होंने एक्सबॉक्स गेम पास की कर दी, इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं जल्दी। एंड साथ में एक और इन्होंने, ये सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है गाइज, अभी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप इस ब्लॉग का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वेबसाइट पे आके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो। और हाँ एक और चीज़ गाइज, काफ़ी लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, अभी बात नहीं कि कब तक हमारे PC पे आ सकता है, पुराने PC पे या हम नया लें तो कब तक आएगा। तो गाइज ये देखो, PC में दो तरह की चीज़ें होती है, या तो हमारा लैपटॉप या किसी ब्रांड की तरफ से अपन PC ले नया, तो उस केस में हमें इस साल के एंड तक विंडोज़ 11 देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट। ये देखो, PCs विद विंडोज़ 11 प्री इंस्टॉल्ड विल बी अवेलेबल लेटर दिस ईयर। तो इस साल के एंड में हमें देखने को मिल सकती है प्री इंस्टॉल्ड विंडोज़ 11 इन मतलब जो पहले से लैपटॉप्स वगैरह एंड सभी कुछ। और अभी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट, जैसे अभी आपके सामने PC पड़ा है, इतना बीस्ट PC है, फिर भी इस पर मैं इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा विंडोज़ में, वो फेक वाली मेरे को यूज इंस्टॉल करनी भी नहीं। इन्होंने कहा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, व्हेन विल आई एबल टू अपडेट अपग्रेड टू विंडोज़ 11 ऑन माई विंडोज़ 10 डिवाइस। मतलब विंडोज़ 10 का भी मैं OS यूज़ कर रहा हूँ अपने PC पे, तो विंडोज़ 11 कब तक मेरे को अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा। तो ऑप्शन ये देख सकते हो, ज़्यादा मैं पढ़ूंगा नहीं, अपग्रेड रोल आउट प्लान इज स्टिल फाइनलाइज्ड बट फॉर मोस्ट डिवाइसेज ऑलरेडी वी इन यूज टूडे वी एक्सपेक्ट इट टू बी रेडी समटाइम अर्ली 22। अगले साल मतलब अराउंड 5 महीने बाद हम खेल नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे विंडोज़ 11 को अपने PC में विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियली। बाकी अगर उन्होंने अर्ली 22 कहा है तो शायद एक महीना लेट लगा के चलो, मतलब फेब के आसपास हम इंस्टॉल कर पाएंगे विंडोज़ 11 को अपने PC में। और हाँ, अभी बात रही कि फ्री अपग्रेड हमें मिलेगा या नहीं, जैसे मेरे पास अभी मैंने अपने इस विंडोज़ वाला जो मतलब PC में विंडोज़ 10 इंस्टॉल की हुई है और मुझे रिटेल की मैंने डाली हुई है इस पर, तो क्या मुझे विंडोज़ 11 फ्री मिलेगी, विंडोज़ 11 फ्री टू यूज़ मिलेगी इन दिस PC? तो हाँ गाइज, आपको मिलेगी विंडोज़ 11 फ्री टू अपग्रेड इन योर करंट PC इफ़ यू हैव मतलब लाइक ओरिजिनल विंडो है। अगर हम सीधी सी बात करें, नो मैटर आपने OEM की डाली है, नो मैटर रिटेल की डाली है, नो मैटर आपको पीछे से लैपटॉप से मिली है विंडोज़ 10 ऑलरेडी ओरिजिनल वाली, पायरेटेड की मैं बात नहीं कर रहा, ना ही मैं ट्रायल वर्जन की बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ OEM या रिटेल की या ओरिजिनल विंडो, लैपटॉप्स में भी OEM की होती है। अगर आपने वो इंस्टॉल की हुई अपने PC में या प्रोडक्ट की डाली हुई विंडो एक्टिवेट आपकी, तो आपको विंडोज़ 11 मिलेगी अकॉर्डिंग टू काफ़ी ब्लॉग्स। एंड विंडोज़ 10 के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने देखा था, आई गेस कहीं ना कहीं तो देखा था। हाँ, मैं इतनी तरफ से कह तो सकता हूँ आपको फ्री टू अपग्रेड मिलेगी। मतलब अगर हम पिछली भी हिस्ट्री की भी बात करें तो ऐसे ही होता रहता है विंडोज़ में। तो यार यही था आज की इस वीडियो में। बाकी हाँ, अगर आपको PC हेल्थ चेकअप करना है, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका PC देखो आप कि आपका PC विंडोज़ 10 चला भी सकता है या नहीं, तो आपको एक इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ आप आओगे ना नीचे इस सेक्शन में, व्हेन विल आई, ये वाले सेक्शन आप जैसे कि देख सकते हो, इस पे ना एक लिंक होगा नीचे, अगर इस पे क्लिक करोगे डाउनलोड PC हेल्थ चेक ऐप, तो मैं PC हेल्थ चेक ऐप डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। PC हेल्थ चेक मैंने डाउनलोड कर लिया है और
या मैं चेक नाउ करूंगा तो इतना सही पीसी होने के बावजूद भी आ रहा है दिस पीसी कांट रन विंडोज 11। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि विंडोज 11 आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको TPM जिसे हम कहते थे, मैं एक सेकंड फुल फॉर्म सर्च करके आया, मैं भूल गया, टोटल पता नहीं कुछ TPM फुल फॉर्म इन विंडोज, तो ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल आपको ऑन करना पड़ेगा अपने मदरबोर्ड के बायोस में जाके, मदरबोर्ड के बायोस ही होता है और क्या होता है, अपने बायोस में जाके आपको ऑन करना पड़ेगा। आपको काफ़ी सारे यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे कैसे TPM को ऑन करना पड़ेगा आपको अपने PC में, और जैसे ही आप ऑन करोगे तो आप PC हेल्थ चेक में दोबारा से आओगे तो चेक नाउ यू आर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो वैसे आपको शो करने लग जाएगा कि आपके PC पे विंडोज 11 चल जाएगी। और एक और चीज़ गाइस, आपको विंडोज 11 आप सीधा जाओगे ना यहाँ अपडेट्स आप सर्च करोगे, चेक फॉर अपडेट्स वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो आप जैसे इस स्क्रीन पे देख सकते हो आपको एक वहाँ विंडोज़ का वर्जन होगा 21H1, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, शायद वो इंस्टॉल करोगे तो आपको विंडोज 11 शो करने लग जाएगी, आपके PC में चल जाएगी। तो यार यही था अपनी तरफ से, मैंने समरी दे दी आपको अराउंड, मैंने कहा था 10 to 12 minutes में, अराउंड 10 मिनट 30 सेकंड 40 10 11 मिनट के आसपास वीडियो बन गई है। तो आई एम श्योर आप कमेंट्स में बताना कैसी लगी वीडियो आपको, और डिटेल वीडियो थी पूरी मेरी तरफ से, एंड रात को मैं 12 बजे के अराउंड बना रहा हूँ वीडियो। यार लाइक का ठोको, प्यार दबाओ, मज़ा करो, एंड ऐसी और भी ऑसम कंटेंट आने वाला है इन फ्यूचर, बस आप वेट करने वाले बनो, मैं अपना कंटेंट ला रहा हूँ प्रॉपर। लास्ट पे सपोर्ट और कमेंट्स में ज़रूर से बताना ओवरऑल आपको विंडोज 10 को 10 में से कितने स्टार आप दोगे। मैं पर्सनली दूंगा 9 स्टार 10 में से। हाँ कुछ चीज़ें मेरे को अजीब भी लगी, बट वो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो लास्ट पे गाइस सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए एंड लाइक करते रहिए मेरे चैनल की सारी वीडियोस को। बाय बाय गाइस, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लगा लो अपने आप, बाय बाय गाइस।